डिस्कस करते हैं आखिर गायनी के बीच में और ऑप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम इनका बेसिक डिफरेंस जानेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि गायनी के फादर कौन है। फिर उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हम थोड़ा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्टली गायनी क्या होता है। सो गायनी क्या होता है। गायनी मेनली डील करता है फीमेल। गायनी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। सो गायनी क्या है। गायनी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ और उसके डिसऑर्डर के साथ, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के साथ जो डील करती है उसको हम क्या बोलेंगे, गायनी बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजी बोलेंगे, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑप्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होते हैं। सो ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ। प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो उसे बोलेंगे हम ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। सो अब बात आती है कि हम इसको याद कैसे करें, गायनी को कैसे याद करें और फीमेल इसमें क्या था ऑब्स्टेट्रिक को कैसे याद करें। सो गायनी को हम याद कर सकते हैं GF से। किससे? GF से। जी यानी कि गायनी, गायनेकोलॉजी, और F से हम याद कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। F से हम याद कर सकते हैं फीमेल। सो गायनेकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स के साथ, ठीक है। इसे गायनेकोलॉजी बोलेंगे। अब ऑप्स को कैसे याद करते हैं। सो बेसिकली हम ऑप्स को OBG बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इसी से हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि OBG से हम याद कर सकते हैं। पी यानी कि प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर। सो हम दोनों में इसका बेसिक डिफरेंस हमको क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि गायनी के फादर ऑफ गायनेकोलॉजी। सो गायनेकोलॉजी के फादर कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो गायनी के फादर कौन है, जेम्स मेरियन सिम्स। सो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है या मॉडल फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है। तो हम ये हैं जेम्स मेरियन सिम्स, फादर ऑफ गायनेकोलॉजी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दोनों को, हमको ऑप्स और OBC के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। फादर कौन है, जेम्स मेरियन सिम्स, ओके। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, हम ये जानेंगे। सो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्री टाइप्स होते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक्सटर्नल के अंदर क्या आता है और हमारे इंटरनल के अंदर क्या आता है और असेसरी के अंदर क्या आता है, हम ये जानते हैं। सो एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल को हम दूसरे टर्म में वल्वा भी बोल सकते हैं, वल्वा, पेजेंटम भी बोलते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आते हैं। ये है हमारा, फर्स्ट है हमारा मॉल्स प्यूबिस,
लेबिया मिजोरा, लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा में भी दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फोरचेट एंड सेकंड हमारा प्रिप्यूस। प्रिप्यूस को हम बोल सकते हैं हुज ऑफ क्लिटोरिस। ओके, नेक्स्ट है क्लिटोरिस वेस्टिब्यूल हाइमेन स्कैनिंग प्लान एंड पार्थोलिन ग्लैंड। पार्थोलिन ग्लैंड, सो ये हमारे आएंगे एक्सटर्नल के अंदर। सो ये आएंगे हमारे एक्सटर्नल के अंदर, और हमें इन्हें दूसरे टर्म में हमें इसके क्या बोल सकते हैं, वल्वा। वल्वा पेरेंडम भी बोल सकते हैं हम दूसरे टर्म में इसको। सो असेसरी के अंदर कौन सा आता है? असेसरी के अंदर सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर आता है ब्रेस्ट। सो असेसरी के अंदर आएगा ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इंटरनल। नेक्स्ट की इंटरनल के अंदर, इंटरनल के अंदर हमारा कौन कौन से, इंटरनल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? वजाइना, फॉर्निक्स, सर्विक्स, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ये हमारा आएंगे इंटरनल के अंदर। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।